फर्स्ट वर्ड है हमारा आलोचना करना। आलोचना करने को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा हंसी मजाक करना। हंसी मजाक करने को हम इंग्लिश में बोलेंगे बेंटर। बेंटर यानी हंसी मजाक करना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा भड़कना। भड़कने को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रोवोक। प्रोवोक यानी भड़कना। प्रोवोक यानी भड़कना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा छिपकर सुनना। छिपकर सुनने को हम इंग्लिश में बोलेंगे ईवेस ड्रॉप। ईवेस ड्रॉप यानी छुपकर सुनना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा पहचानना। पहचानने को हम इंग्लिश में बोलेंगे रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज यानी पहचानना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ठग या ऐठ लेना। ठग या ऐठ लेने को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्विंडल। स्विंडल यानी ठग या ऐठ लेना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा समर्थ करना। समर्थ करने को हम इंग्लिश में बोलेंगे एंड ऑर्स। एंड ऑर्स यानी समर्थ करना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा पालन करना। पालन करने को हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लाई यानी पालन करना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा थोपना। थोपने को हम इंग्लिश में बोलेंगे इम्पोज। इम्पोज यानी थोपना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा गुमराह करना। गुमराह करने को हम इंग्लिश में बोलेंगे मिसलीड। मिसलीड यानी गुमराह करना। तो नेक्स्ट है हमारा मंत्र मुग्ध हो जाना। इसको हम इंग्लिश में लेंगे मेसमेराइज। मेसमेराइज यानी मंत्र मुग्ध हो जाना। मुआवजा देना। मुआवजा देने को हम इंग्लिश में लेंगे कॉम्पेंसेट। कॉम्पेंसेट यानी मुआवजा देना। तो नेक्स्ट है हमारा मजबूर करना। मजबूर करने को हम इंग्लिश में लेंगे कॉम्पेल। कॉम्पेल यानी मजबूर करना। तो नेक्स्ट है हमारा पूजना। पूजना को हम इंग्लिश में लेंगे इडोलाइज। इडोलाइज यानी पूजना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा चापलूसी करना। चापलूसी करने को हम इंग्लिश में लेंगे फ्लैटर। फ्लैटर यानी चापलूसी करना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ताना मारना। ताना मारने को हम इंग्लिश में लेंगे टाउंट। टाउंट यानी ताना मारना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा चुगली करना। चुगली करने को हम इंग्लिश में बोलेंगे बैक बाइट यानी चुगली करना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाथापाई करना। हाथापाई करने को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्कूफुल। स्कूफुल इसको फल यानी हाथापाई करना। तो नेक्स्ट है हमारा क्रोध दिलाना। क्रोध दिलाने को हम इंग्लिश में बोलेंगे इन्फुराइट। इन्फुराइट यानी साजिश या षडयंत्र रचना। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर यानी साजिश या संयंत्रण रचना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेइज्जत करना। बेइज्जत करने को हम इंग्लिश में बोलेंगे ह्यूमिलेट। ह्यूमिलेट यानी बेइज्जत करना। पालन पोषण करना। पालन पोषण करने का इंग्लिश बोलेंगे नर्चर। नर्चर यानी पालन पोषण करना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप करने का इंग्लिश बोलेंगे मेडल। मेडल यानी हस्तक्षेप करना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा गुल मिल जाना। गुल मिल जाने का इंग्लिश बोलेंगे मिंगल। मिंगल यानी गुल मिल जाना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा बदनाम करना। बदनाम करने को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिसक्रेडिट। डिसक्रेडिट यानी बदनाम करना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिंडोरा पीटना। डिंडोरा पीटने को हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्रम्पेट। ट्रम्पेट यानी डिंडोरा पीटना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिम्मत होने या हताश करना। हिम्मत होने या हताश करने को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिसकवरेज। डिसकवरेज यानी हिम्मत तोड़ना। नेक्स्ट है हमारा हिम्मत बढ़ाना। इसको हम इंग्लिश में लेंगे इनकरेज। इनकरेज यानी हिम्मत बढ़ाना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा तितर बितर हो जाना या बिछड़ जाना। इसको हम इंग्लिश में लेंगे स्कैटर। स्कैटर यानी तितर बितर हो जाना।
तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इकट्ठा या एकत्र होना है। इकट्ठा एकत्र होने को हम इंग्लिश में बोलेंगे गदर, गदर यानी इकट्ठा या एकत्र होना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा गलत समझ लेना, गलत समझ लेने को हम इंग्लिश में बोलेंगे मिसटेक, मिसटेक यानी गलत समझ लेना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपनाने में इंकार करना, अपनाने में इंकार करने को हम बोलेंगे डिसअवन, डिसअवन है यानी अपनाने में इंकार करना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पष्ट करना, स्पष्ट करने को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्लारीफाई, क्लारीफाई यानी स्पर्श करना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोहराना, दोहराने को हम इंग्लिश में लेंगे रिटेरेट, रिटेरेट यानी दोहराना। तो नेक्स्ट है हमारा हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाने को इंग्लिश में लेंगे स्नीर, स्नीर यानी हंसी उड़ाना। तो नेक्स्ट है हमारा आकर्षित होना, आकर्षित होने को हम इंग्लिश में लेंगे ग्रेविटेट, ग्रेविटेट यानी आकर्षित होना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोंग करना, डोंग करने को हम इंग्लिश में लेंगे शैम, शैम यानी डोंग करना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वसूल करना, वसूल करने को हम इंग्लिश में लेंगे एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्ट यानी वसूल करना। नेक्स्ट हमारा उल्लंघन करना, उल्लंघन करने को हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्लाउट, फ्लाउट यानी हैंगल, हैंगल यानी मोल भाव करना। तो नेक्स्ट हमारा हम बसना या निवास करना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इनहेबिट यानी बसना या निवास करना। तो नेक्स्ट है हमारा खुलासा करना, खुलासा करने को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिस्क्लोज यानी खुलासा करना। कॉन्सील, कॉन्सील यानी छिपाना। तो नेक्स्ट है हमारा विरोध करना, विरोध करने का इंग्लिश में रिमोन्स्टरेट, रिमोन्स्टरेट यानी विरोध करना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अचरण डाना, अचरण डाने को हम इंग्लिश में लेंगे हिंडर या फिर इम्पेड यानी अचरण डाना। तो नेक्स्ट है हमारा परिचय कराना, परिचय कराने को हम इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रोडस, इंट्रोडस यानी परिचय कराना। नेक्स्ट हमारा परिचय देना, परिचय देने को हम इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रोडस यानी परिचय देना। तो नेक्स्ट है हमारा सवारना, सवारना को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई यानी सवारना। तो नेक्स्ट है हमारा अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाने को हम इंग्लिश में बोलेंगे सरमाइस, सरमाइस यानी अंदाजा लगाना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मुंह बंद करके हंसना, मुंह बंद करके हंसने को हम बोलेंगे चुक्कल, चुक्कल, चुक्कल यानी मुंह बंद करके हंसना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।